गोपाल परिवार फाउंडेशन नाकलवाड़ी नागपुर द्वारा 25 फरवरी को ट्रांसपोर्ट नगर नाशिक में सारथी साथी ड्राइवर के हित में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी प्रकार के सारथी ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारियों ने भागीदारी निभाई, जिसका मुख्य लक्ष्य था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क मार्ग से रोजगार की गारंटी और सारथी ड्राइवर को मान सम्मान प्राप्त होना, उन्हें जागरूकता अभियान से जोड़ना, सरकार हमारी हम सरकार के साथ सहयोग से राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने का प्रयास, सड़क मार्ग से इस तरह के कार्यक्रम को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के लेटर में लिखित रूप से समर्थन व्यक्त किए और शुभकामनाएं दी। सहयोगी संस्था भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा BRPS और शिवाजी वाहन चालक संचालक एसोसिएशन, नाशिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्टर मोटर मालिक ने अपना अनुभव बताया और नाशिक अधिवेशन को संबोधित किए कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही सारथी साथी के प्रशिक्षण के लिए जल्दी अपनी नोन करने की अपील की। सारथी साथी के बच्चों के एजुकेशन के लिए 5,000 रूपए गोपाल परिवार संगठन देगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। सारथी साथी ड्राइवर के लिए कम से कम पैसे में सड़क पर खाना उपलब्ध करने का झांसा किया। इस दौरान संस्था के संचालक प्रहलाद अग्रवाल, किरण देसाई, राजेंद्र पटेल, अब्दुल रजाक, नरेश बंसल, अंजू सिंगल, महेंद्र सिंह राणा, सचिन जाधव, बेनीवाल जी, अंजय सिंह, उपेंद्र पंडित, विनायक बाग, पवन कुमार, चंदन पवार, प्रदीप लोखंडे, बड़ा साहेब बुड़के, शोभा काले, पल्लवी पवार, स्मिता बाग, रजनीश दुबे, सचिन पांडे, दिनेश अग्रवाल, कल्पना लोखंडे, पवन भारद्वाज, चंदन पवार एवं समस्त सारथी परिवार भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा BRPS के प्रमुख नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि इसी तरह से संपूर्ण भारत में सारथी साथी परिवार के सदस्यों के साथ में गोपाल परिवार फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन, आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत, एक देश एक कानून और सड़क मार्ग से रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार भयमुक्त सफर के लिए कार्य करने का हर संभव प्रयास करने की गारंटी दी। लापरवाही से सरकार की लापरवाही से अपनी लापरवाही से उस समय सबसे ज्यादा जो लोगों का आम जनता का गुस्सा होता है वो ड्राइवर भाइयों पे होता है। जो सरकार ने कानून बनाया कि आप भाग जाओगे तो आपके 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल, तो ये नहीं होना चाहिए। कारण कि कोई भी व्यक्ति किसी को मरा हुआ देखना नहीं चाहता, ना किसी की मौत की कामना करता है। वो क्या चाहता है, जिससे भी हमारी दुर्घटना होती है वो बचे। वो ड्राइवर से छोड़ के भागना नहीं चाहता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी जान बचाने उनको छोड़ के जबरदस्ती भागना पड़ता है, इनमें उनकी गलती नहीं है। हाँ, तो इसमें ऐसे कुछ पहलू सरकार डाले जिससे कि ड्राइवर भाई अगर उनकी जान जाने की खतरा है तो अगर छोड़ के जाते हैं तो उनका कुछ बचाव का तरीका हो सके। क्योंकि गाड़ी के मालिक को गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, हम इंश्योरेंस भरते हैं। अगर हमें 10 लाख रुपया भरना पड़े तो इंश्योरेंस का क्या काम आएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इससे ज्यादा ना बोलते मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। रिक्शा महिलाओं को दिया जिससे कि वो महिलाओं को ले जा सकती है, ला सकती है। ऐसे ही कुछ और व्यवसाय में भी अगर ट्रक्स में बस में ऐसा कुछ हो, जो ST बस है उसमें जैसे आज हर ST बस में कंडक्टर लेडीज है, तो ड्राइवर लेडीज क्यों नहीं है। मैं अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस और भी ध्यान दें कि भाई उसके अंदर रोजगार भी मिलेगा और काम भी बनेगा। आज नासिक के अंदर कम से कम 1500 स्कूल बस है, उसमें सब में अटेंडेंट लेडीज है लेकिन ड्राइवर लेडीज नहीं है। अगर 1500 लेडीज ड्राइवर अगर यहाँ इनको रोजगार मिलता है तो वह उनका घर अच्छे से चलेगा और जो ड्राइवर भाई है पूरे राज्य में पूरे देश में भी जा सकते हैं। तो ये जो इस तरह की सोच को आपको बदलना पड़ेगा। हमारे को कहीं भी अगर युद्ध होता है तो कई महिलाएं पीछे रहती है कि तलवार लेके सच आगे रहती है, रहती कि नहीं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ये सम्मान करना चालक का, सारथी का शुभ करना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर कोई हमारे में कोई कमी है तो हमें भी सुधार करना चाहिए। यही बात, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय सारथी। सारथी सबसे ज्यादा मेहनत करता है ड्राइवर भाई, फिर वही बात आ रहा, ड्राइवर भाई, ड्राइवर भाइयों के लिए सारथी है, सारथी सुविधा। हर जैसे अभी मोदी गडकरी साहब ने बोला कि हर 200 किलोमीटर के अंदर में चालक सारथी बनना चाहिए, स्टोर रूम बनना चाहिए, वो पार्किंग की सुविधा होना चाहिए। इसीलिए हमारे अंजू सिंगल जी है, सब हमारी ट्रांसपोर्ट संस्था है, वो बहुत लगन से लगी हुई है। नासिक
डिस्ट्रिक्ट का भी, नासिक एसोसिएशन का भी, जितने भी हमारे यूनियन संगठन है सब इसके लिए पीछे पड़े हुए। गडकरी साहब तक पहुंचा है निमंत्रण, और खुद मोदी जी ने भी बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 200 किलोमीटर के अंदर में चालक सारथी बने, और चालक सारथी के लिए उनको कोई सुविधा वहां पे मिले, पार्किंग के लिए या अपना मेडिकल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, ऐसे ऊपर तक पहुंचा है। बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ 2 साल से अभी प्रयास चालू है, और बहुत अच्छा ऊपर केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची हुई है। तो आप लोग थोड़ा सा शासन भी उम्मीद करते हैं कोशिश कि आप हम सब मिलकर इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। आज हमारा भारत विकसित भारत बन रहा है, आज हमारा भारत आधुनिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज हमें सबसे बड़ी जरूरत है तो हमारे सारथी साथियों के लिए जरूरत है। आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली ट्रक इंडस्ट्रीज है, तो रीढ़ की हड्डी हकीकत में हमारे सारथी साथी ड्राइवर हैं। आज हमको सारथी साथी ड्राइवर के लिए मान सम्मान के लिए हक के लिए उनका मान सम्मान दिलाना हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता और जवाबदारी बनती है, और हम इस जवाबदारी को आगे ले जाने के लिए इसके लिए जितना भी प्रयास हमारे से बनेगा उतना प्रयास हम आगे करने के लिए प्रयास करेंगे। और गोपाल फाउंडेशन परिवार अपनी महाराष्ट्र नासिक से भी इसका हम शुरुआत अभी कर रहे हैं, और हर प्रदेश के हर जिले में जहां पे ट्रक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिवीजन होगा हम वहां तक जाएंगे और अपने जो भी किए गए कार्य के बारे में बताएंगे, और लोगों का साथ और विश्वास लेकर आएंगे, और आगे हम शासन प्रशासन तक अपनी उम्मीदों को लेकर जाएंगे। आज हमारे लिए सबसे जरूरी, जैसे सरकार के सामने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है सड़क दुर्घटना को रोकना, सड़क दुर्घटना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, और इसे रोकना सरकार की सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है। और जो सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लेती है तो हमारा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं, जहां देखे पास करने का है वहीं करें। तो दुर्घटना से देरी भली, देर इसलिए करिए ताकि आप सुरक्षित रहें, इसके लिए सरकार ये लिखती है। बहुत सारे लिखती है कि, तो आप अपने ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद। चलता है कि ये बिहार में या झारखंड में या उड़ीसा में कहीं फंसा हुआ है, किसी तकलीफ में है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा या किसी आरटीओ के द्वारा या किसी भी तरीके से, सारे काम धाम छोड़ के प्रहलाद जी अपनी मशीनरी वहाँ भिजवाते हैं, उसकी समस्या सुलझाते हैं, और ऐसे सैकड़ों लोगों की समस्या उन्होंने सुलझाई, और मुझे नहीं लगता कि उसमें से 5 ड्राइवर्स के भी या जिन ट्रांसपोर्ट कंपनीज के वो ड्राइवर्स होंगे उनके मालिकों के भी नाम उनको आज याद होंगे। ये पता नहीं क्या जुनून उन पे सवार है। तो ये जो गोपाल परिवार उन्होंने स्थापन किया ये तो प्योरली ड्राइवर्स के बेनिफिट के लिए है, जैसा कि अभी बताया गया है कि उनके दिल में क्या क्या योजनाएं हैं, ये तो सारी वो इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। लेकिन साथ में एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया है, जो शायद आज आप लोगों ने गौर किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, ड्राइवर्स के लिए वो एक सॉर्ट ऑफ गेस्ट हाउस गुजरात में शुरू कर रहे हैं। जो ड्राइवर 65 साल के ऊपर जिसकी उम्र हो गई है, जिसको शायद अपने परिवार वालों ने घर से बेदखल कर दिया है, या जो खुद किसी भी वजह से अपने परिवार के पास नहीं लौटना चाहता, ऐसा ड्राइवर इनके यहाँ रह सकता है, उसकी व्यवस्था गोपाल परिवार करेगा, ये उन्होंने आज अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात कोई उनके यहाँ काम करने वाले ड्राइवर्स के लिए ही नहीं है, ये बात आज जो यहाँ मौजूद ड्राइवर्स है उनके लिए नहीं है, ये बात देश भरे के ड्राइवर्स के लिए है। आप सोचिए हमारे देश में ड्राइवर्स कितने होंगे, लाखों के। अभी आप लोग तो सारे ट्रांसपोर्ट कंपनीज के मालक लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद होगी। हाँ, तो ये कितनी बड़ी योजना है, और आप सोचिए कि उसमें से अगर 1,000-1,500 भी ड्राइवर्स इनके यहाँ आ गए कि हमारी व्यवस्था करो, आपने अनाउंस किया था, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।